हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के वो सब हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और साथ ही आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है, साथ ही आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जिसके थ्रू आप अपने जो एग्ज़ाम है उसके अंदर बैक लगने से बच सकते हैं और साथ ही अच्छे परसेंट भी गेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन के वो सब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही उन क्वेश्चंस के आंसर के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो है डिफाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखनी है और रोल ऑफ नर्स इन न्यूट्रिशनल हेल्थ, एक न्यूट्रिशनल हेल्थ में रोल ऑफ नर्स क्या है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMR क्या होती है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि BMR को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट डिफाइन प्रोटीन, प्रोटीन की डेफिनेशन लिखनी है, क्लासिफिकेशन, फंक्शंस और सोर्स एंड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मेथड्स ऑफ कुकिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग। मैं आपको मेथड्स बताने कुकिंग के और प्रिंसिपल बताने हैं कुकिंग के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको इन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, आपको कम्प्लीटली सब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। प्लस आपको इन क्वेश्चंस को 101% प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपको पास करवा सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आपको इनमें से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट और भी सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिफाइन बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होती है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बैलेंस डाइट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है फूड एडल्ट्रेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। आपको फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है और प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन बताना है। नेक्स्ट है कुछ शॉर्ट नोट्स जैसे ICDS, RDA, PFA एक्ट। तो नेक्स्ट है नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, ऐसे कौन कौन से नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है। नेक्स्ट है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्लासिफिकेशन और उसके फंक्शन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन सी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आपको लिखना है। डाइट प्लान आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है लैक्टेशनल वुमन का पूछा जा सकता है, प्रेगनेंट वुमन का पूछा जा सकता है। डाइट प्लान के ऊपर प्रीवियस कुछ ईयर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, तो ये आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स, जैसा कि आपको पूछा जाएगा बायोकेमिस्ट्री क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे नर्सिंग में बायोकेमिस्ट्री का, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है एसिडोसिस, एल्कलोसिस, एसिड बेस बैलेंस, स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिंस, फंक्शंस ऑफ CSF। शॉर्ट नोट्स की बात करें तो LFT, ग्लाइकोनियोलाइसिस, GTT, क्रैप्स साइकिल, यूरिया साइकिल, HMP संट। और इसके अलावा नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट बात करते हैं डिफाइन एंजाइम एंड कोएंजाइम, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। नेक्स्ट एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो ये वो क्वेश्चंस है। इसके अलावा प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं, क्वेश्चंस बता रखे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो भी आप जरूर देखिएगा। साथ ही आपको कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है तो आप उसके लिए मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, ताकि आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है तो वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसी वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है वो इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।